एक सेकंड, कर दो सर। हाँ हाँ प्रॉपर सर, एक सेकंड, एक ब्लॉक ही गायब हो गया। रोल साइलेंस, रोलिंग। अच्छा भाई थोड़ा पीछे, जैसे जो है ना वो पूरी हो गई, मतलब इतने वर्षों से हिमालय पर बैठे थे, आज महसूस हुआ कि मेन कार वही हो गए। और एक्चुअली पहली बार ऐसा हुआ है कि ये ख्वाब नहीं है, ये सच में इनका ख्वाब पूरा हुआ है। जी। तो शो में भी कई बार ऐसे सीक्वेंसेस हुए हैं, लेकिन हमेशा ख्वाब ही रहा है कि वो देख रहे हैं कि मैं इनके लिए गाना गा रही हूँ, या इनको इनकी तारीफ कर रही हूँ, या मैं भाग रही हूँ, ये पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज ये एक्चुअल हकीकत में इनके साथ हो गया है। जी, इसके लिए मैं चूहे का और ख्वाब का धन्यवाद करना चाहूँगा। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मतलब अब वो गए। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हुई है, लेकिन मेरे, मैं जितना विभू को जानती हूँ, उनकी चूहे से ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुम हुई है। तो ये एपिसोड जो है एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जो आपने कभी इमेजिन नहीं की है। सभी लोगों के साथ ऐसे ऐसे कुछ कुछ बहुत ही डिफरेंट चीजें होंगी, दिस इज वन ऑफ देम। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस होंगे, तो अब जब, क्योंकि तिवारी जी का ऐसा एक फेज आ गया कि इनके जो भी वो देखते हैं वो पूरा हो जाता है, वो सच हो रहा है, वो ख्वाब। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, और मैं यहीं पर, मेरे यहाँ पर अभी छिपकली आ गई थी वॉशरूम के बिल्कुल पास में, और मैंने पूरा यहाँ पर पूरे सेट को सर पे उठा लिया था। कम से कम 15 लोगों की ब्रिगेड अंदर गई थी, सोल्जर्स की। कई बार हुआ है ऐसा, बहुत। हाँ रोहित भाई, लोग दीजिएगा थोड़ा तो वर्ड। हाँ अर्जुन, नेल फाइल था, लाइट कटेगी ना। और बताइए तिवारी जी, कैसे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, आजकल हम कुछ असमंजस की स्थिति में हैं। क्या हुआ भाभी जी? हमें ना कुछ अजीबो गरीब से ख्वाब आ रहे हैं, और पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तिवारी जी, ख्वाब तो अजीबो गरीब ही होते हैं। हमारे केस में नया है भाभी जी, बिल्कुल नया है। आपके केस में क्या नया है? नया ये है भाभी जी कि हम जो भी ख्वाब देख रहे हैं तो वो कंबख्त सच हो जा रहे हैं। आपके ख्वाब सच हो जाते हैं? हाँ भाभी जी, हमारे ख्वाब सच हो जाते हैं। अच्छा, तो आपका कौन सा ख्वाब सच हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या बताएं भाभी जी, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। कैसा बेहूदा ख्वाब है तिवारी जी? हुआ ना भाभी जी, हुआ ना। आप भगवती जी का पैजामा हाथ में लेकर बीच सड़क में नृत्य कर तो रही थी, तो हुआ था सच? ओहो तिवारी जी, वो एक महज गिर गया था, मैं पैजामा उठा रही थी, और जैसे मैं पैजामा उठाने के लिए गई, वहां कमबख्त एक चूहा आ गया, और मैं चूहे को देखकर उछलने लग गई, और पेलू ने वहां म्यूजिक चला दिया। आप मुझे बताइए कि जब मैं उछलती हूँ तो मैं कितना ग्रेसफुल उछलती हूँ, कितना रिदम में उछलती हूँ, तो आपको लगा कि मैं डांस कर रही हूँ। वो तो वाकई सही बात है, लेकिन अभी हमने
वही था जो हमने ख्वाब में देखा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं भाभी जी की एक महज इत्तेफाक है, लेकिन हमने वो जो ख्वाब देखा था कि भभूति जी जो है चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाकर बीच सड़क पर आधी रात को जा रहे हैं और कुछ लौंडे जो है उनकी तुड़ाई कर देते हैं, तो वो ख्वाब भी तो भाभी जी सच हुआ ना? जी वो भी महज सपना पूरा हो जाए तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि हाँ भी आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ये ओके है, एक सरल लाइन के वो दे दीजिएगा कि कोई की जगह यार ठीक है।